बहादुरगढ़ से वरिष्ठ संवाददाता प्रेम शर्मा ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार बताया कि बहादुरगढ़ के निकटवर्ती गांव सिद्धिपुर लोवा में रविवार को हुई क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और खापों के चौधरियों की पंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। चौधरी श्रीचंद मान की स्मृति में होने वाला आज तक का सबसे प्रमुख और विशाल धार्मिक आयोजन की तिथि 360 खाप की पंचायत तय करेगी। मान परिवार के बड़े बेटे अशोक मान, उनके भाई दलवीर मान और सिकंदर मान व उनके परिवार के छोटे चौधरियों ने रविवार को सिद्धिपुर और लोवा गांव की पंचायत बुलाकर यह साफ किया कि मान परिवार की तरफ से पहले की तरह ही हर साल मनाई जाने वाली हनुमान जयंती 23 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। मान परिवार की तरफ से यह 65वीं हनुमान जयंती मनाई जाएगी, जो उनकी माता स्वर्गीय श्रीमती देववती ने 64 वर्ष पहले गांव में हनुमान का व्रत रखकर शुरू की थी। उसी दिन से मान परिवार हर साल हनुमान जयंती पूरे उत्साह से मनाता रहा है, जिसमें अनेक फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई लाखों लोगों के साथ कार्यक्रम में भाग लेते हैं। जयंती पर मान परिवार की तरफ से गरीब कन्याओं की शादी के लिए आर्थिक मदद की जाती है और गरीब परिवारों में वस्त्र दान किए जाते हैं। हवन और जागरण के साथ हनुमान जयंती मनाई जाती है, मगर इस वर्ष परिवार के मुखिया और प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय चौधरी श्रीचंद मान की स्मृति में एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रविवार को हुई पंचायत में अनेक वक्ताओं के साथ चौधरी श्रीचंद मान के बड़े बेटे अशोक मान ने पंचायत में बताया कि पहले 3 मार्च को खाप लोवा 17 की पंचायत होगी, जिसमें 360 खाप पंचायतें बुलाने का निर्णय लिया जाएगा। स्वर्गीय चौधरी श्रीचंद मान की स्मृति में होने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कब होगा, उसका निर्णय 360 खाप पंचायत तय करेगी। आज हुई मीटिंग में एक कमेटी का भी गठन किया गया, वह कमेटी ही पूरी व्यवस्था तय करेगी। प्रधान के उसके धर्म के लिए दोनों गांव के लिए परमिशन मांगने के लिए इकट्ठे करे गए हैं। हम उनका जो धर्म करना चाह रहे हैं अब तो दोनों गांवों पर मैंने सौंप दिया गया है। दोनों गांवों ने हमारी जिम्मेवारी करी है कि भाई 17 को बुलाओ, और तो गांव ने डेट दिए 3 मार्च को रविवार को हम अपना 17 गांव बुलाएगा, और हम गांव से अपील करिए भाई सारा गांव 17 का स्वागत करे और उनका 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 मान सम्मान रखेंगे। और स्वर्गीय श्रीचंद प्रधान जी का जो धर्म करना चाह रहे हैं आगे की जिम्मेवारी गांव ने 17 पर छोड़ देंगे, अतः वह 17 आगे की कार्रवाई बढ़ाएगा और बार बार जो आएगी पंचायतें वो आप लोगों को बताती जाएगी। अतः आप लोग मीडिया से भी ये भी है, 3 तारीख को मीडिया भी आए जी। मीडिया भी आए और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों गाँव से और मीडिया से प्रार्थना करते हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। हनुमान जयंती का जन्म उत्सव 23 अप्रैल को है और वो पनवासी के दिन है। उस दिन सभी गांव वालों को हमने ये प्रार्थना करी है, वो भी दोनों गांव में स्वीकृति दी है। अगर हनुमान जयंती का उत्सव बड़ी धूमधाम से 23 अप्रैल को हम मनाएंगे और जो धर्म का जो कार्रवाई है वो हमारा जो 17 बताएगा 17 आगे कहाँ ले जाएगा, अगर वो धर्म का जो कार्य है वो 17 के बाद आगे चलेगा। ठीक, हनुमान जयंती 23 अप्रैल की जो 1962 साल से मनाते आए माँ वेदवती श्रीचंद प्रधान, हाँ तो हमारे भी परिवार ने बाबा हरिदास की दया से और बजरंग बली हनुमान की दया से हम उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और उसे हमने गांव से और आशीर्वाद ले रहे हैं और वो काम आगे बढ़ गया।